खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुबिका लियाकत। ऐसा बहुत कम होता है जब लोकसभा रात में 12 बजे तक बैठकर किसी बिल को पारित करवाती हो। कल ऐसा ही ऐतिहासिक दिन था। यह बिल सरकार के एजेंडे में बहुत ऊपर है, इसका अंदाजा कल पूरे देश को गृहमंत्री अमित शाह की तैयारी से लग गया था। अमित शाह ने बिल पर सवाल उठाने वाले सांसदों को तो जवाब दिया ही, साथ में इस बिल को सही ठहराने के लिए इतिहास, भूगोल और दूसरे देशों के संविधान का भी सहारा लिया। उनके भाषण में तीखे हमले भी थे, इतिहास की गलतियों से सबक लेने की सीख भी थी, देश के अल्पसंख्यकों को समझाने का धैर्य भी था और गलत बातों का तथ्यों के साथ जवाब भी था। यही वजह है कि आमतौर पर ऐसे बड़े मामलों में संसद में रहने वाले प्रधानमंत्री भी कल लोकसभा में मौजूद नहीं थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। लोकसभा के लिए अमित शाह नए हो सकते हैं, लेकिन उनके आत्मविश्वास और मैनेजमेंट को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा। अब कल यानी बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा में आएगा। यहां भी इस बिल का पूरा विरोध होने के आसार है। राज्यसभा में गणित क्या रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले लोकसभा में अमित शाह की पूरी प्लानिंग कवर स्टोरी में आपको देखनी चाहिए। और उससे पहले हेडलाइंस। कल राज्यसभा में पेश होगा नागरिकता संशोधन विधेयक। कांग्रेस ने कल सभी राज्य इकाइयों को धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा है। प्रियंका गांधी ने आम जनता और कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा, कहा संविधान बचाने के लिए मैदान में उतरिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ असम आज फिर बंद रहा। गुवाहाटी में मशालों के साथ सड़कों पर उतर रहे प्रदर्शनकारी। कल संसद में इतिहास बना, आधी रात के बाद 12:05 पर लोकसभा में पास हुआ नागरिकता संशोधन विधेयक। इसी साल जुलाई में दो बार करीब आधी रात से 2 पहले तक लोकसभा बैठी थी। रेल और कृषि मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई थी। इस संसदीय भाषा का प्रयोग करें, हमें सुनना पड़ेगा। मारेंगे क्या? मारिए। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। सभापति महोदय, ठीक नहीं है। अब सुनो ना भाई, अब सुनो। मत विभाजन का परिणाम था 311, 311, ना 80, 80, 80। विधेयक पारित हुआ। और इस तरह से अमित शाह ने अकेले ही अपने दम पर लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित करवा लिया। सभा द्वारा स्वीकृत हुआ विधेयक पारित हुआ। विधेयक पारित होने की घोषणा के साथ गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर आई ये खुशी बता रही है कि उनकी मेहनत रंग लाई। वैसे तो पूरे लोकसभा में मौजूद बीजेपी के सांसद खुशी में झूम रहे थे, बड़े बड़े मंत्री भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर बिल पास होने का जश्न मना रहे थे, लेकिन इसे लोकसभा से पास करवाने का पूरा श्रेय सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है और वो है गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने इस बिल को पास करवाने के लिए पूरी तैयारी की थी। बिल को इंट्रोड्यूस करने से लेकर उसके पास होने तक अमित शाह कई बार बोले, हर किसी का जवाब दिया और कल ही उन्होंने ये बता दिया था कि इस बिल को लाने के पीछे उन्होंने कितनी तैयारी की है। विगत एक मास के अंदर 140 से ज्यादा संस्थाएं मान्यवर, 140 से ज्यादा अलग अलग एनजीओ, राजनीतिक दल, जिसमें कांग्रेस के सभी राजनीतिक, कांग्रेस की पार्टी के सभी राज्यों के नेता भी थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मैंने लगभग 119 घंटे चर्चा की है मान्यवर, 119 घंटे। और उन्होंने जो सुझाया वो सारे सुझाव इसके अंदर में समाहित करने के लिए आया हूँ। नागरिकता संशोधन विधेयक पर कल लोकसभा में 48 वक्ता बोले। जो जो सवाल उठे थे अमित शाह उन सभी के जवाब तैयार करके आए थे। अंत में जवाब देते हुए उन्होंने 63 तक भाषण दिया और जवाब देने के लिए इतिहास का भी सहारा लिया। थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, हो सकता है मेरी बात सबको अच्छी न लगे, मगर सुनने का धैर्य भी रखना चाहिए।
क्योंकि इसी में से एक कैसे गैर संवैधानिक नहीं है इसका तर्क खड़ा होता है। मान्यवर, अच्छा तो ये था कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता। अगर ये देश का विभाजन धर्म के आधार पर न होता तो बिल लेकर मुझे आने की जरूरत ही नहीं थी। इस बिल को सही ठहराने के लिए अमित शाह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का संविधान भी पढ़कर आए थे। वो तीन देशों के संवैधानिक स्टेटस पर जानना चाहता हूँ। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के अनुच्छेद 2 में निम्नलिखित प्रावधान किया है, पवित्र धर्म इस्लाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का धर्म है। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, पाकिस्तान राज्य का धर्म इस्लाम होगा। बांग्लादेश जब बना तब तो उसका संविधान सेक्युलर था। 1978 में इसमें बदलाव किया गया और इसमें लिखा गया रिपब्लिक का राज्य धर्म इस्लाम है। माइनॉरिटी को न्याय मिलने की संभावना इसी से क्षीण हो जाती है, लगभग समाप्त हो जाती है। इसके बाद अमित शाह ने देश को ये भी बताया कि आजादी के बाद पाकिस्तान में कैसे अल्पसंख्यकों की संख्या घटती चली गई। मान्यवर, 1947 में पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 23%। जरा ध्यान से सुनो दादा, ध्यान से सुनो। और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% हो गया। बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। मान्यवर, कहां गए लोग, कहां गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, या तो भारत में आए, या तो मार दिए गए, या तो प्रताड़ित कर भगा दिए गए। अमित शाह तीनों देशों का लेखा जोखा लेकर आए थे। पाकिस्तान के बाद ये बताया कि कैसे बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए। क्या हुआ है बताता हूँ, सुनिए अधीरंजन जी, आज सुनिए ना, मैं बताता हूँ, सुनिए। शेख मुजीबुर न रहने के बाद क्या हुआ है बताता हूँ। बीएनपी खालिदा जिया जी की पार्टी जब आई गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2001 में भोला जिला के 4 फसन उपजिला में 8 से 70 साल की और 100 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना गांधी जयंती के दिन। फिर ये बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से कैसे वहां के अल्पसंख्यकों की संख्या कम हुई और उन पर क्या क्या अत्याचार हुए। अफगानिस्तान के अंदर भी 1992 के पहले 2 लाख सिख और हिंदू थे, ज्यादातर सिख थे, लेकिन 2018 तक अब 500 बच गए थे। खुले में बनी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में बुद्ध की भव्य प्रतिमा को तोप के गोले दागकर तोड़ दिया गया। तालिबान ने सितंबर 98 में एक आदेश जारी किया, नॉन मुस्लिम महिलाएं बाहर निकलती है तो एक पीला कपड़ा अपने कंधे पर डालना पड़ेगा। अगर शुक्रवार को मस्जिद नहीं जाते हैं, नमाज पढ़ो न पढ़ो मस्जिद जाना वरना दंडित होना पड़ता था। हिंदू और सिख महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता था। अमित शाह सबका जवाब तैयार करके आए थे। मनीष तिवारी ने टू नेशन थ्योरी का जनक सावरकर को बताया था। अपने भाषण में अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया। मैं साफ तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में टू नेशन थ्योरी की किसी ने नींव रखी थी तो 1935 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के सेशन में सावरकर ने रखी थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं रखी थी। उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी श्री सावरकर की, मगर जिन्ना साहब ने जब टू नेशन थ्योरी इवॉल्व करी, प्रचारित करी और विभाजन हुआ, आप कांग्रेस पार्टी ये बताए भला विभाजन क्यों स्वीकार किया, रोका क्यों नहीं? कांग्रेस के अधीर रंजन ने नागरिकता संशोधन विधेयक को सांप्रदायिक बताया था तो इसका चुटीला जवाब भी अमित शाह तैयार करके लाए थे। ये लगता है कि आप हिंदू राज्य बनाने के लिए इस दिशा में आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने जवाब दिया, बिन सांप्रदायिकता जोर जोर से बोलते रहे, कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। मैंने ऐसी बिन सांप्रदायिक
पार्टी मेरे जीवन में नहीं। ओवैसी ने यह आरोप लगाया था कि बिल को एनआरसी की वजह से लाया जा रहा है। अमित शाह ने इस आरोप का भी बड़ी ही सख्ती से जवाब दिया। मैं जानना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि इस बिल को एनआरसी के नजर से देखने की जरूरत है। जो आसाम में एनआरसी हुआ मैडम, वहां पर 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से खुद वहां के मंत्री कहते हैं कि 5,40,000 बंगाली हिंदू है। मैं होम मिनिस्टर जानना चाह रहा हूं कि सेक्शन 5 के तहत, ये जो सेक्शन है ना मैडम, सेक्शन 6A के तहत जितने बंगाली हिंदू हैं उन पर जो मुकदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा, और किस पर मुकदमा चलेगा? फॉरेन सिविल से मुसलमानों पर। बताइए होम मिनिस्टर साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी, कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही, हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। ऐसे बड़े मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी संसद में मौजूद होते हैं, लेकिन कल वो नहीं थे क्योंकि वो झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। और प्रधानमंत्री मोदी को भी पता है कि पूरी जिम्मेदारी जब अमित शाह के मजबूत कंधों पर है तो फिर शिकस्त का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए उन्होंने बिल पास होने के बाद अमित शाह की तारीफ की, ट्वीट किया, मैं खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह जी की सराहना करना चाहूंगा जिन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक के सभी पक्षों को विस्तार से समझाया। लोकसभा में चर्चा के दौरान सम्मानित सांसदों ने कई मुद्दे उठाए, लेकिन उन्होंने सभी का विस्तार से जवाब दिया। संसद में नागरिकता संशोधन बिल पर घमासान है। कल आपने लोकसभा में यह हंगामा देखा और अब कल राज्यसभा में यह बिल पेश होना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहस कितनी तीखी होने वाली है। लेकिन इन राजनीतिक घमासान के बीच एक और जगह है जहां इस बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है, और वो है सोशल मीडिया। हमें लगता है कि सोशल मीडिया की ये लड़ाई पाकिस्तान जैसे देश और अमेरिका के कुछ संगठनों को भारत की तरफ उंगली उठाने का भरपूर मौका दे रहे हैं। तभी तो अमेरिका की एक संस्था हमारे देश के गृह मंत्री पर प्रतिबंध लगाने की बात करने की हिमाकत कर बैठती है, और इमरान खान भी भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने लगते हैं। सोशल मीडिया की लड़ाई पर आधारित इस रिपोर्ट को देखने से पहले आप ये 5 हेडलाइंस देख लीजिए। अमेरिका की संस्था USCIRF पर भारत ने पलटवार किया, कहा पूर्वाग्रह से ग्रसित है बयान। इमरान खान ने ट्विटर पर निकाली खींच, लोकसभा से बिल पास होने पर RSS को कोसा। भारत को यूरोपियन यूनियन का साथ मिला है, एम्बेसडर ने कहा है उम्मीद है भारत अपने संविधान के उच्च मानकों को बनाए रखेगा। सोशल मीडिया पर बिल के समर्थन और विरोध में लड़ाई हुई, विरोध करने वालों ने पाकिस्तान से तुलना कर दी। भारत की नागरिकता पाए अदनान सामी बोले, कानूनी रास्ते से नागरिकता ले सकते हैं मुसलमान। सियासत की देखी दुनिया से अलग, नागरिकता संशोधन बिल की लड़ाई सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से चल रही है। ट्विटर पर आज सुबह से अचानक एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा। यह हैशटैग था #, भारत किसी के बाप का थोड़ी है। शाम के 4 बजते बजते इस हैशटैग पर 70,000 के करीब ट्वीट किए गए। इसके जवाब में #, भारत मेरे बाप का है को ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया। हम ये नहीं दिखाएंगे कि इस हैशटैग के जरिए क्या क्या लिखा गया क्योंकि ज्यादातर ट्वीट्स असंसदीय हैं, लेकिन यह हैशटैग कैसे बनाया गया इसे सुन लीजिए। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल, यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी के इस शेर का इस्तेमाल कर विरोध जताने वाले लोगों को आज राहत इंदौरी का ही सुनाया एक वाकया सुनना चाहिए जो खुद उन्होंने अमेरिका के ह्यूस्टन में सुनाया था। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं,
और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने मैं ये शेर पढ़ता हूँ। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मरतबा ये कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में ये कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वह अफसर ने मुझे देख के, अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है। राहत इंदौरी ने इमरजेंसी के दौरान की कहानी जहां सुनाई, ये वही ह्यूस्टन है। ये वही ह्यूस्टन है जहां पीएम मोदी और ट्रंप ने एक साथ हजारों भारतीयों को संबोधित किया था। ये उसी अमेरिका का हिस्सा है जहां भारतीय काफी संख्या में रहते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज उसी अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक की आलोचना की है। अमेरिकी सरकार से गृह मंत्री अमित शाह पर सख्त एक्शन की मांग की गई है। आयोग ने सुझाव दिया कि अगर कैब संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और अन्य प्रमुख नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंधों पर विचार करना चाहिए। भारत ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लेकर अमेरिकी संस्थाओं की तरफ से आई टीका टिप्पणियों को गलत और गैर जरूरी करार दिया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाले अमेरिकी आयोग की तरफ से आए बयानों को विदेश मंत्रालय ने पुराने पूर्वाग्रह का नतीजा बताया है। सही बात है, अमेरिका कौन होता है हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने वाला? सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी परेशान है। इमरान ने आज ट्विटर पर एक इंटरनेशनल चैनल का एक आर्टिकल साझा किया, लिखा, हम भारत के नागरिकता कानून की कड़ी निंदा करते हैं जो पाकिस्तान के साथ पूर्व मानवाधिकार कानून और द्विपक्षीय समझौतों के सभी मानदंडों का उल्लंघन करता है। यह मोदी सरकार द्वारा प्रचारित RSS के हिंदू राष्ट्र डिजाइन का हिस्सा है। वहाँ के प्रधानमंत्री जी का इस तरीके का वक्तव्य देना मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। उनको दुख होता है, चिंता होता है जब भारत कोई अच्छा कड़ा निर्णय लेता है। 370 में भी उनको इसी बात का दुख हुआ था, पुनः उनको दुख हुआ, उनकी समस्या को समझ सकते हैं। बट बहरहाल इससे भारत को किसी तरीके की कोई चिंता नहीं है। चलनी दूसरे को अल्लाहना दे रहा है जो सूप अनाज गाँव में फटकते हैं, सहस्त्र छेद जिसने इस्लामिक कंट्री घोषित किया। बीजेपी को तो हिंदू राष्ट्र बनाने का एक कोशिश है। पाकिस्तान क्या बोलता है इसके लिए मैं टिप्पणी नहीं करने चाहता हूँ। पाकिस्तान हमारे निजी मामला में क्यों दखल देगा? इमरान खान हो या फिर अमेरिका का कोई आयोग, ऐसे लोग और संस्थाओं को हमारे देश में हो रहे विरोध ने और दम दिया। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने एक के बाद एक दो ट्वीट किए, लिखा, मैं नहीं चाहती कि करदाता के रूप में मेरी मेहनत की कमाई इस बीमार ब्रिगेड NRC CAB परियोजना के वित्त पोषण में खर्च हो। NRC या CAB से जिन्ना दोबारा पैदा हुआ, हेलो हिंदू पाकिस्तान। मॉडल गौहर खान ने बिल को भारतीय लोकतंत्र के लिए सैड डे लिखा, तो सोनी राजदान ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ये भारत का अंत है जिसे हम सभी जानते हैं और प्यार करते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भारत की नागरिकता पाए गायक अदनान सामी ने विरोध करने वालों को जवाब दिया, ट्विटर पर लिखा, कैब में उन चार धर्मों का भी जिक्र है जिनके मानने वालों को धर्म आधारित देशों में सताया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिमों को नहीं सताया गया क्योंकि वो वहां पर बहुसंख्यक थे। मुसलमान पहले की तरह आज भी कानून के मुख्य दरवाजे से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर नागरिकता बिल को लेकर लंबी बहस छिड़ी है। अब इंतजार कल का है जब राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। देखिए, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं। आजादी के समय जिस पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23% थी, अभी वो 2% से कम है। बांग्लादेश में 1981 में हिंदू 12% थे जो अब 9% से भी कम है। अफगानिस्तान में 70 के दशक में करीब 7 लाख हिंदू और सिख थे, अब 1000 ही रह गए हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को अब रखिए, जिस पर इमरान खान से लेकर अमेरिका का धार्मिक स्वतंत्रता आयोग धार्मिक पक्षपात का आरोप लगा रहा है। यहां का आंकड़ा देखिए,
हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की आबादी आजादी के वक्त 10% थी, जो अब बढ़कर 14% हो गई है। यह आंकड़े बताने के लिए काफी है कि कौन सा देश अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर है। मास्टर स्ट्रोक, इनकी दुकान तभी चलेगी जब एक कौम डर में रहेगी। लोकसभा तो आसान है, लेकिन बीजेपी के लिए राज्यसभा की राह मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल राह में भी आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक बिल सरकार ने पास करवा लिया। ये सब कुछ उस अंक गणित के आधार पर संभव था जिसे फ्लोर मैनेजमेंट कहते हैं। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन बिल पास कराने के लिए पहले ही फ्लोर मैनेजर्स बना लिए थे और अब खबर यह है कि मैनेजर्स ने अपना काम बखूबी कर लिया है। कल जब राज्यसभा में यह बिल आएगा तो हल्ला और हंगामा होगा, उसके बीच ये पास भी हो जाएगा। अब ये कैसे होगा और इसके लिए सरकार ने रणनीति क्या बनाई है, ये बताएंगे हम आपको अगली रिपोर्ट में, लेकिन 5 हेडलाइंस के बाद। लोकसभा में पास होने के बाद कल राज्यसभा में पेश होगा नागरिकता संशोधन विधेयक। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी चर्चा। सरकार का दावा, राज्यसभा में भी पास होगा बिल। बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए 5 फ्लोर मैनेजर्स की टीम है। शिवसेना ने सस्पेंस बढ़ा दिया। लोकसभा में समर्थन करने के बाद उद्धव बोले, बीजेपी भ्रम में ना रहे, सवालों के जवाब दिए तभी मिलेगा समर्थन। बिल पर जेडीयू के मतभेद सामने आए। लोकसभा में समर्थन देने पर पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और महासचिव पवन वर्मा ने सवाल उठाए। मौजूदा रुख देखते हुए राज्यसभा में सरकार की राह आसान है। बहुमत के लिए 121 वोट जरूरी, फिलहाल 125 सांसद समर्थन में है। 311 311 8080 निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। 80 के मुकाबले 311 वोट दिखाकर सरकार ने लोकसभा में अपनी ताकत तो दिखा दी, अब असली परीक्षा राज्यसभा में होनी है, जहां सारा खेल वोटिंग के आंकड़ों पर टिका है। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए सब कुछ फ्लोर मैनेजमेंट यानी दूसरी पार्टियों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति पर निर्भर करता है। सरकार का दावा है कि ये बिल राज्यसभा में भी पास होगा। इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को राज्यसभा में वोट मैनेज करने के लिए लगाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बकायदा इसके लिए एक टीम भी बनाई है जो पिछले 1 हफ्ते से इस पर काम कर रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव, ये वो चेहरे हैं जो राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास कराने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में भी अच्छे संख्या से बहुमत से पारित होगा और भारतीय जनता पार्टी की हमारी संख्या बल पहले की तुलना में, एनडीए की संख्या बल पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन इस बिल को प्राप्त है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया ये बिल राज्यसभा में पारित होकर कानून बनने के लिए इंतजार कर रहा है। राज्यसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 240 है, यानी बहुमत के लिए कम से कम 121 वोट जरूरी हैं। तो 121 वोटों के जुगाड़ के लिए कई स्तर पर काम किया गया। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार की। जेडीयू पहले इस बिल के विरोध में थी, नीतीश कुमार तक विरोध में बोलते रहे, लेकिन लोकसभा में कल जेडीयू बिल के पक्ष में खड़ी नजर आई। सूत्रों के मुताबिक इसमें बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने खुद नीतीश कुमार को मनाने का काम किया। हालांकि इसके बाद जेडीयू में मतभेद बढ़ गया। पहले पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बिल को संविधान विरोधी बताया, फिर राष्ट्रीय महासचिव पवन वर्मा ने नीतीश कुमार से दोबारा सोचने की अपील की। ये बिल देश हित में नहीं है, ये नागरिकता का निर्णय धर्म और मजहब के आधार पर करती है, जो कि हमारी देश की एकता और उसमें समन्वय बनाने के रखने के लिए क्या जरूरी है उसके खिलाफ है। मैंने एक आग्रह किया है, एक अपील की है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी से, वो इस समर्थन पर, इस बिल के समर्थन पर पुनर्विचार करें।
पवन वर्मा के बाद अब बिहार सरकार में मंत्री श्याम रजक ने भी कहा है कि बिल को समर्थन देने को लेकर पार्टी में कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार अपना स्टैंड बदल लेंगे या फिर राज्यसभा में 370 और तीन तलाक पर आए बिल की तरह राज्यसभा का वॉकआउट कर अपनी छवि बचा लेंगे और सरकार की भी मदद कर देंगे। आंतरिक विरोध के बाद भी माना जा रहा है कि जेडीयू के 6 सांसद राज्यसभा में बिल का समर्थन करेंगे। वहीं बीजेपी की पूर्व सहयोगी शिवसेना ने यूटर्न ले लिया है। कल लोकसभा में बिल के साथ थी तो आज उद्धव ठाकरे ने तेवर दिखाकर धमकी दे दी। लोकसभा में हमने कुछ सवाल उठाए हैं, प्रश्न जरूर उठाए हैं, जिसका उत्तर मिला नहीं है। कल गृह मंत्री जी ने शायद शिवसेना छोड़कर हर एक पार्टी और सदस्य के माध्यम से सदस्य ने जितने सारे सवाल उठाए उत्तर देने का प्रयास किया। जिस भ्रम में देश जी रहा है कि शायद भाजपा एकमेव पार्टी ऐसी है कि जो भी कहे और जो भी करे सिर्फ वही देश के लिए अच्छा होता है और बाकी जो भी है अन्य सारे है वो देशद्रोही है, ये भ्रम है। इस भ्रम में अब हमें नहीं रहना चाहिए। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आएगा तो पार्टी का स्टैंड जो है कल सबको पता चलेगा, लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए। शिवसेना के वैसे तो सिर्फ 3 सांसद हैं, पर राज्यसभा में बीजेपी के लिए एक एक वोट अहम है, इसीलिए बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स की टीम अलग अलग पार्टियों के संपर्क में है। पीयूष गोयल AIADMK तो प्रहलाद जोशी TRS, TDP और YSR कांग्रेस को साधने में लगे थे। इनमें से TRS को छोड़कर बाकी पार्टियां बिल के समर्थन में हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने BJD को अपने पक्ष में लाने का काम किया। इस हिसाब से मौजूदा स्थिति में राज्यसभा में बिल के पास होने का रास्ता आसान हो चुका है। अगर शिवसेना खिलाफ जाती है तो भी सरकार के पक्ष में 125 वोट पड़ने की उम्मीद है। बिल के खिलाफ 109 वोट हैं और पार्टियों के 6 सांसदों का रुख अभी तय नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया, हमारा मत स्पष्ट है, हमने विरोध किया। अब राज्यसभा में आना है, राज्यसभा में हमारा प्रयास होगा कि जब भी राजनीतिक दल विपक्ष में है वो एक होकर उसको पास ना होने दे। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, सरकार पर धार्मिक आधार पर बंटवारे का आरोप लगा रहा है। अब राज्यसभा में कल 6 घंटे की चर्चा के दौरान एक बार फिर विपक्ष की तरफ से सवालों की बौछार होगी और सरकार आंकड़ों के सहारे बिल पास कराकर नागरिकता संशोधन बिल को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश करेगी। राज्यसभा में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत से काफी पीछे है, ध्यान रखिए। अगर कांग्रेस बिल के इतने ही खिलाफ थी तो उसने विपक्ष के सभी दलों को एकजुट क्यों नहीं किया, फ्लोर मैनेजमेंट क्यों नहीं किया? बिल के विरोध को विपक्ष ने कितनी संजीदगी से लिया है इसे आप इस बात से समझ लीजिए कि लोकसभा में बिल के खिलाफ सिर्फ 80 सांसदों ने वोटिंग की, जबकि बिल का विरोध करने वाले सांसदों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, लगभग 145, वो भी शिवसेना को छोड़ दे तब। विपक्ष के 65 सांसद गायब रहे। क्या इसी रणनीति के दम पर विपक्ष राज्यसभा में जाएगा? मास्टर स्ट्रोक, बिल पर हंगामे में आगे, रणनीति बनाने में भागे। लोकसभा में अमित शाह के भाषण में विरोधियों के मन में उठते एक एक सवाल का जवाब तो था। गृहमंत्री ने संसद के जरिए भरोसा दिलाने की कोशिश की कि बिल को लेकर उठते सवालों में कोई दम नहीं है। अमित शाह ने देश के मुसलमानों को भी विश्वास दिलाया कि सरकार उनके साथ है, लेकिन देश के कई हिस्सों से आज ऐसी तस्वीरें आई जो बताने के लिए काफी है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर लोगों के अंदर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। तो हमने कोशिश की कि उन बड़े सवालों को 5 हिस्सों में बांटकर उसका जवाब अपने दर्शकों को दिया जाए। उम्मीद है हमारी अगली रिपोर्ट आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब दे पाएगी। Of course.
हमारा जो संविधान की ढांचा है ये ढांचा को प्रहार करते हैं। क्या वाकई ये बिल संविधान की भावना के खिलाफ है? अगले 5 मिनट में हम उन 5 सवालों का जवाब बताएंगे जिसके आधार पर बिल का विरोध हो रहा है। ईसाइयों को नागरिकता मिलेगी तो मुसलमानों को क्यों नहीं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान शामिल, म्यांमार, भूटान क्यों नहीं? श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों को भी नागरिकता मिलेगी क्या? नेपाल में मधेशियों पर अत्याचार, फिर वो बिल से अलग क्यों? सोशल मीडिया पर वायरल, क्या मुसलमानों को देश छोड़ना होगा? बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को ध्यान से सुनिए। और अगर हिंदुस्तान भी हिंदुओं को नहीं रखेगा तो फिर वो कहां जाएंगे? मैं गिन रही थी कुछ देश, मैंने कहा कितने देश हैं जहां पे इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन है। मैं हैरान हुई, 40 के आसपास। मैं गिन रही थी कितने ऐसे देश हैं जहां पर क्रिश्चियनिटी रिलीजन है, वो भी 40 के आसपास है, 38 या जो भी। फिर मैं गिन रही थी कि हिंदू धर्म का कितना, कितने देश का राष्ट्रीय धर्म हिंदू है, तो एक भी नहीं मिला। मीनाक्षी लेखी के इस बयान से पहला सवाल और पुख्ता हो जाता है। जब 40 देश धार्मिक तौर पर ईसाई देश माने जाते हैं, फिर ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने का कानून है लेकिन मुसलमानों को नहीं। जब 6 समुदाय, 3 देश, बाकी सारे बाद, ये नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते। अफगानिस्तान से हमारा बॉर्डर है, चाइना से बॉर्डर है, म्यांमार में भी हिंदू टॉर्चर होते हैं, नेपाल भूटान सबसे बॉर्डर है, किसी से नहीं लिया आपने, तमिल श्रीलंका से बॉर्डर है, किसी को नहीं लिया आपने, सिर्फ लिया ये तीनों राष्ट्रों को, क्योंकि ये मुस्लिम राष्ट्र है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सदन में ही इस सवाल का जवाब दिया। 3 पड़ोसी देश जिनसे हमारी जमीनी सीमा छूती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खुलता है जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताड़ित हुए हैं। कल लोकसभा में शिवसेना और डीएमके की ओर से भी ये सवाल पूछा गया। अगर अफगानिस्तान लेते तो श्रीलंका का भी अंतर्भाव करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। तमिल शरणार्थियों को लेकर जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया और कहा, शास्त्री भंडारनाई के समझौते के तहत श्रीलंका के तमिलों को पहले ही नागरिकता मिल चुकी है। दक्षिणी नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग मधेशी हैं। नेपाल में मौजूद ज्यादातर मधेशी भारतीय मूल के हैं। मधेशियों का आरोप है कि 2015 के नए संविधान में भेदभाव हुआ। 2015 में मधेशी समुदाय ने नए संविधान के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया। ये उसी आंदोलन की तस्वीरें हैं जो सितंबर 2015 से लेकर फरवरी 2016 तक चला। इसे दबाने के लिए नेपाल की सेना ने हिंसक रास्ता अपनाया जिसमें करीब 50 आंदोलनकारियों की मौत हुई। सरकार ने इसका भी जवाब दिया। अमित शाह ने कहा, इंडो नेपाल समझौता 1950 के मुताबिक नेपाल के नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, वो नागरिकता भी हासिल कर सकते हैं और यहाँ संपत्ति भी खरीद सकते हैं। इसका जवाब बहुत साफ है। कल अमित शाह ने कई बार इस सवाल का जवाब दिया। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है, इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये जो है, ये बिल जो है, वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेना नहीं। ये वही 5 सवाल हैं जिनको लेकर नागरिकता संशोधन बिल का विरोध हो रहा है। 4 सवालों के जवाब तो आपके सामने हैं, लेकिन पहले सवाल का जवाब सरकार को देना है।
और सवाल वही कि जब ईसाइयों को नागरिकता मिल सकती है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। 16 दिसंबर 2012, चार दिन बाद इस तारीख के 7 साल हो जाएंगे, लेकिन आज तक निर्भया के दोषियों को उनके अपराध की सजा नहीं मिली है और ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही ये चारों फांसी के फंदे पर झूलेंगे। लेकिन इस फांसी से बचने के लिए ये कातिल अलग अलग तरीके और दलील अपना रहे हैं। आज हम आपको निर्भया के कातिल अक्षय ठाकुर की पुनर्विचार याचिका की कुछ दलील दिखाएंगे। अक्षय की तरफ से आज ही सुप्रीम कोर्ट में इसे दाखिल किया गया है और इसमें सतयुग, कलयुग, वेद, उपनिषद और उसके साथ साथ दिल्ली के प्रदूषण का भी जिक्र है। देखिए आप। दिल्ली में लोग प्रदूषण से वैसे ही मर रहे हैं, मुझे फांसी मत दो। फांसी से बचने के लिए आज से पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलील नहीं दी गई, लेकिन निर्भया के कातिल अक्षय ने अपने रिव्यू पिटीशन में यही कहा है। यही है वो याचिका जिसमें वेद, पुराण और उपनिषद का जिक्र है। विचित्र दलीलों के साथ सजाए मौत से बचने के लिए प्रदूषण का भी हवाला दिया गया है। अक्षय की ओर से लिखा गया है कि दिल्ली एनसीआर के पानी और हवा में जहर घुलने की पुष्टि केंद्र सरकार ने खुद अपनी रिपोर्ट में की है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है, दिल्ली गैस चेंबर बन गई है। संसद में केंद्र ने रिपोर्ट पेश कर इस बात की पुष्टि की है। दिल्ली के पानी और हवा को क्या हो रहा है इस बात से सभी वाकिफ है। जिंदगी वैसे ही कम हो रही है, फिर मौत की सजा क्यों? निर्भया के साथ क्रूरता की हद पार करने वाले कातिल अक्षय की ओर से दी गई दलील में यह भी कहा गया है कि वेद, पुराणों और उपनिषदों में जिक्र है कि सतयुग और त्रेता युग के लोगों की उम्र हजारों साल होती थी। द्वापर युग में लोग सैकड़ों साल जीते थे, अब कलयुग है, इसमें उम्र बहुत घट गई है, अब ये 50 से 60 साल ही रह गई है। अपने चारों ओर देखते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये एक कड़वी सच्चाई है कि आजकल के खराब हालात में इंसान एक लाश से ज्यादा कुछ नहीं। 16 दिसंबर 2012 की रात इन आरोपियों ने जुल्म की पराकाष्ठा पार कर दी थी और अदालत ने जब फांसी की सजा सुनाई, एक कातिल को सतयुग और कलयुग का ज्ञान होने लगा, साथ ही गांधी की भी याद आने लगी। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप किसी चीज का आंकलन करना चाहते हैं तो अपने समाज की सबसे कमजोर कड़ी को देखकर कानून बनाना, न्याय करना और उसी आधार पर संसद और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। यहाँ हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के सिद्धांतों की मानना होना चाहिए और उस पर मान्यता रहनी चाहिए। 9 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट 3 दोषियों मुकेश, विनय और पवन की पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है। उस वक्त अक्षय ने पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी। 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा दी थी और अब 2 साल बाद फांसी को टालने के लिए अक्षय की तरफ से रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, लेकिन दोषियों का बचना अब संभव नहीं लगता क्योंकि निर्भया के चौथे दोषी पवन शर्मा को मंडोली जेल से तिहाड़ लाया गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने जल्लाद की तलाश भी शुरू कर दी है। इस बीच दिल्ली के मुख्य सचिव ने भी केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की। तिहाड़ जेल के एक आला अधिकारी ने पवन को तिहाड़ जेल लाए जाने की बाबत कहा कि जब किसी केस में महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला होता है तब मामले के सभी आरोपियों को एक जगह एकत्र किया जाता है। अधिकारी ने यह भी कहा कि सुरक्षा के लिहाज से कैदियों को इधर उधर भेजा जाता है। ऐसा लगता है कि मामला सुरक्षा का है क्योंकि बिहार के बक्सर जेल में फांसी में इस्तेमाल की जाने वाली मनीला रस्सी तैयार की जा रही है। देखिए, अभी लास्ट वीक में हमारे विभाग के वरीय अधिकारी के द्वारा एक निर्देश दिया गया कि आप 10 हैंगिंग रोप जो है बनाकर तैयार रखिए। रस्सी से क्या किया जाएगा, हैंगिंग रोप है, अब किसे फांसी दी जाएगी नहीं दी जाएगी इस बारे में हम लोगों के पास ऐसी कोई सूचना नहीं आती। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि ये फंदे तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजने के लिए ही तैयार किए जा रहे हैं। मेरे लिए मायने रखता है कि जब तक उनका ऑर्डर का डेट नहीं हो जाता या लिखित में पटीशन उनकी राष्ट्रपति के पास से खारिज नहीं हो जाती तब तक तो हमें नहीं लगता है कि नहीं
ऐसा कुछ इतना जल्दी होने वाला है, तो हो सकता है कोर्ट ने 28 तारीख को जब सुनवाई का हो रहा था कोर्ट में, तो जेल से जो लोग आए थे उनको बोला गया कि उन सब आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करो। ऐसी खबर थी कि निर्भया के दोषियों को 16 दिसंबर को ही फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते ये मुमकिन नहीं। तिहाड़ जेल अधीक्षक को अदालत से ब्लैक वारंट जारी करना पड़ता है और इस वारंट के 15 दिन बाद ही फांसी दी जाती है। वो ब्लैक वारंट इसको इसलिए कहते हैं कि इस वारंट के साइड पे जो है ब्लैक हाशिया होता है, इसलिए इसको ब्लैक वारंट कहते हैं। और जनरली जो है जो जज ब्लैक वारंट इशू करते हैं, इसको इशू करने के बाद साइन करने के बाद जो है वो अपनी पेन की निब जो है, ये एक प्रथा चली आ रही थी, पेन की निब को तोड़ देते थे ताकि ऐसा काम जो है उनको आगे ना करना पड़े। मतलब निर्भया मामले में आखिरी इंसाफ के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। जिस वक्त पूरा देश गुस्से में है, अपराधियों के एनकाउंटर तुरंत सजा देने की मांग हो रही है, उस वक्त भी इस तरह की बेतुकी दलीलें ये बताती है कि ना तो अक्षय को अपने किए का पछतावा है, ना ही कानून का डर है। मास्टर स्ट्रोक, इंसाफ की धीमी रफ्तार नहीं, कातिलों पर कानूनी प्रहार चाहिए।